नमस्कार दोस्तों, व्यापम एमपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं व्यापम ओल्ड हिंदी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व फॉर हेल्प यू क्रैक द एग्ज़ाम। व्यापम के पुराना हिंदी के पेपर हैं, उसे आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आगे आने वाले ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ ही इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताई गई हैं, तो देखते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ओस्ट से उच्चरित वर्ण है। यहाँ पे ओस्ट का मतलब होता है होंठ, होंठों से जो वर्ण बोला जाएगा वो ओस्ट वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, का 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 से आप याद रखिए, का से कंठ, यानी ये जो बोला जाएगा वो कंठ से बोला जाएगा। सा और हा, तीन सा और एक हा, ये संघर्षी ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। हमारे पास बचा क्या ऑप्शन, पा, यानी कि फोर्थ वाला वो उसका आंसर, राइट आंसर क्या आएगा, पा, यानी ओस्ट से उच्चरित वर्ण क्या होंगे, पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क ख ग घ ड का उच्चारण खालिस्तान से होता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे आप याद रखो, का से होता है कंठ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फोर्थ, कंठ। बाकी के तीन ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ना वर्णों का मेल है। यहाँ पे अलग ही दिख रहा है उद्यान। अब यहाँ पे आपको वर्तन ही पता होना चाहिए कि उद्यान को लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका आएगा सेकंड, उद्यान, ना कि उद्यान आएगा, ना कि उदयमान आएगा, ना कि उदयान आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड, उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो, देखने में तो ये बहुत लग रहा है कि ये सही लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। अनुग्रही शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोल रहा है द्वितत्व व्यंजन संबंधी। द्वितत्व व्यंजन समझते हैं आप, जिसमें कि दो वर्ण आ रहे हों, वो भी व्यंजन, तो इसमें तो दो वर्ण ऐसे कोई दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। दूसरा होता है अनुनासिक, अनुनासिक संबंधी भी कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। थर्ड वाला हम रोकेंगे अभी, फोर्थ वाला देखते हैं, उपसर्ग संबंधी, उपसर्ग भी हमारा सही है, अनु लगा हुआ है। अब रा के प्रयोग से, तो रा का जो प्रयोग लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या गलत है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको ऐसा लिखा जाएगा ग्रा, ना कि ऐसा लिखा जाएगा ग्रा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड, रा संबंधी प्रयोग से इसका गलत आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड, रा प्रयोग संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, यहाँ पे निपात का मतलब समझा दूँ, निपात का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में आके उसका अर्थ बदल दे तो वो निपात कहलाने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर दिया है ही। अब ही क्यों दिया है, क्योंकि हम देखते हैं को तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, से भी नहीं आएगा और है भी नहीं आएगा, इसलिए शब्द परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, हमारा शिक्षक ही बोल रहा है, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। असुर आप सभी को पता होगा, असुर राक्षस, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, दानव, ना कि देवराज आएगा, ना कि भूतेश, ना कि राव आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या कहलाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निहृदयी, देखो देखने में तो लगता है ये राइट आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। ममत्व, ममत्व यानी होता है ममता वाला भाव। निगम, ये भी गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड, निर्मम, राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या कहलाएगा, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र का संधि विक्षेद कीजिए। देवेंद्र, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दवे धन इंद्र, तो ये दवेंद्र हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, देवा धन इंद्र, तो देवांध्र हो जाएगा, ये भी गलत है। देव धन इंद्रा, तो देवेंद्रा हो जाएगा, ये भी गलत है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देव धन इंद्र, इसका मतलब होगा देवेंद्र। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसकी एक ट्रिक है कि जब भी एक मात्राएं वाले शब्द आते हैं 99% केस में, तो वो गुणस्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नमस्कार का संधि विक्षेद है। नमा धन आकार, नमाकार हो जाएगा ये, तो नमस धन कार, ये तो उच्चारण में सही आ रहा है, लेकिन ये गलत होगा, हमको इसमें पता होना चाहिए नमस्कार, तो ये इसमें अह की मात्रा का उच्चारण होना चाहिए, तो ये विसर्ग संधि है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड आएगा, नमः धन कार यानी होगा नमस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। बाढ़ का विलोम आप सभी को पता होगा, बहुत इजी आंसर है, सूखा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सूखा। अतिवृष्टि नहीं होगा, अल्पवृष्टि नहीं होगा और ना ही सूख होगा, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है। प्रत्यय यानी होता है जो शब्द वाक्य के शब्द के अंत में लग के आए तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, पहले तो आप यही क्लियर कर लेना चाहिए, उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद लगते हैं। तो उ प्रत्यय से बना शब्द हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बंधु, बड़ू की माता लग गई, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वधु, इसमें भी बड़ू की माता लग गई, ये भी गलत है। फोर्थ देखते हैं हम, उपहार, तो इसमें भी हार जो प्रत्यय आ रहा वो गलत है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट होता है, इसका राइट आंसर आएगा बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, का पुरुष शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष नहीं आएगा, कोई भी विभक्ति नहीं दिख रही है इसमें। द्विगु समास भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वर्ण नहीं दिख रहा है। फिर आएगा फोर्थ, बहुव्रीहि भी नहीं आएगा, कोई चौथे पर्सन नहीं दिख रहा है, इसलिए बचा क्या हमारे पास, थर्ड ऑप्शन, कर्मधारय समास। दोस्तों यहाँ पे आप जो हैं वो विकल्पों को काटना सीखें, जब आप विकल्पों को काटना सीखेंगे आपके पास सिर्फ एक ही राइट आंसर बचेगा और वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। आंखें चार होना, चश्मा लगाना, ये गलत है। धुंधला दिखना, ये भी गलत है। बेहोशी आना, ये भी गलत है। आमने सामने होना, उसने अपनी आंखें चार करी यानी वो आमने सामने मिले, वो दोनों ने अपनी आंखें चार होना है, इस प्रकार से बोल सकते हैं हम आमने सामने होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। रात्रि, यहाँ पे हम सभी को पता है रात्रि नहीं बोलेंगे, रत्रि नहीं बोलेंगे, रत्रि भी नहीं बोलेंगे, इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचता है रात्रि, यानी त्रा में छोटी की माता लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राजा था मानव सर्पों से गरुण पड़ा। अलग ही दिख रहा है वात्सल रस, इसमें कोई भी श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही है या फिर उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं है, इसलिए वात्सल रस नहीं आएगा। करुण रस, कोई भी शोक वाली भावना नहीं आ रही है। भक्ति रस, कोई भी भक्ति वाला भाव नहीं आ रहा, इसलिए बचा क्या हमारे पास, थर्ड ऑप्शन, वीर रस। और उसमें अलग ही दिख रहा है, इस तरह भभक्ता राजा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा, तो अलग ही दिख रहा है, इसमें वीर रस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए जग या पाए बोराए। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, तो उसको तो आँख मूंद के ही लगा देना चाहिए, यमक अलंकार हैं। जहाँ भी दो शब्द एक मतलब कि एक साथ प्रतीत होएं तो वहाँ पे आप यमक अलंकार लगाएं। संदेह अलंकार नहीं आएगा, श्लेष भी नहीं आएगा और उपमा भी नहीं आएगा। उपमा मतलब कि किसी से आपने कुछ तुलना करी तो इसमें कोई तुलना वाली कोई बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि घन श्याम में बहुव्रीहि भी आ सकता है क्योंकि वो श्री कृष्ण भी होते हैं कर्मधारय, यानी घन है जो श्याम, तो वो भी यानी कि जो श्याम का यानी कि जो श्री कृष्ण का कलर है वो बादल के समान है, ये भी आ सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि इसका राइट आंसर या तो कर्मधारय भी हो सकता है या तो बहुव्रीहि भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। अतिशयोक्ति अलंकार यानी बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम पहला देखते हैं, वनवारी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो इसमें आप देखेंगे इसमें रूपक या फिर रूपक अलंकार है इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, बीती बिबारी जागरी अनपर पनघट में डुबो रही तारा खटूषा नागरी, ये भी रूपक अलंकार का होगा। नदियां जिसकी यशोधरा सी बहती अब भी निशी वासर, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन बनता है, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकला पितृदत्त सिंहासन और सकर हरिमंडल, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, फोर्थ, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है तो फोर्थ है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष। जैसे कि हम बोले, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यहाँ पे तीन बार पानी आया और तीनों बार उस पानी का अर्थ अलग निकलेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा श्लेष।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अभी हमने बताया कि जो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय कहलाएंगे। यानी शब्द के पहले देखते हैं हम इसमें अतिरिक्त, तो उसके शब्द के पहले क्या लग रहा है? अति। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? अति। इति नहीं लग रहा है, आ भी नहीं लग रहा, रिकत भी नहीं लग रहा, तो इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? अति। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसमें और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। आगामी हमारा वीडियो रहेगा वो एमपी से रिलेटेड रहेगा, तो कृपया इसको वॉच करते रहिए। धन्यवाद।